नगाराम जी आशीर्वाद। कुंदन चंद्रावत जी, विमल दीदी आशीर्वाद, जेठामल बुथा साहब, जयेश कछिया साहब, साथियों बस आज आप सारे व्यस्त हो गए। हेतल जी आशीर्वाद, कार्तिक भगवा राज, मनीष जी जैन आशीर्वाद। जैन भाइयों जुड़ जाइए आप मेरे साथ, आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अर्चना सिंह जी आशीर्वाद, बंटी त्यागी, राजेंद्र सिंह जी हृदय से आशीर्वाद, सेंसिटिव बात करना चाहता हूँ मैं। पुष्पा जी हमारे पाठशाला के सदस्य आशीर्वाद। स्वामी राणा रामपत जी आशीर्वाद। हनुमान बालोटिया जी, सीमा तिवारी जी आशीर्वाद दीदी। आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है और आप सारे व्यस्त हो गए उन कामों में। भरत जी आशीर्वाद। आर्यन पंजाबी जी आशीर्वाद। मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों को हृदय से आचार्य सूर्य सागर आपको आशीर्वाद देता है। जेठवा साहब आशीर्वाद। राजेंद्र सिंह जी, प्रजापति जी आशीर्वाद। साथियों जय टेलर साहब, मेरे लाइव पर जुड़ने वाले, हर लाइव पर जुड़ने वाले टेलर साहब आशीर्वाद। हनुमान जी आशीर्वाद। सूरज बेटा आशीर्वाद। राहुल रघुवंशी आशीर्वाद जी। मनीष जैन जी आशीर्वाद। मुक्षा जी आशीर्वाद। तरुण मलिक साहब, अब मैं अपने मूल बात पर आता हूँ, कुछ वक्त आपका लूंगा। लतिका संखला जी आशीर्वाद। मूल बात पर आना चाहूंगा मैं आज, आपके साथ दो मिनट चर्चा करना चाहूंगा। यह जो विषय है यह राजनीतिक विषय नहीं है। तरुण मलिक जी चौकीदार, शांतिलाल जी आशीर्वाद। मैं भी चौकीदार हूँ और अभिमान है मुझे, मैं चौकीदार हूँ और चौकीदारी का फर्ज हम निभा रहे हैं, आप निभा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम आने वाली संपत्ति को, आने वाली संपदा को, आने वाली संस्कृति को बचाना चाहते हैं। अंकुश जी आशीर्वाद। रवि शर्मा जी आशीर्वाद। चिंटू पंडित जी आशीर्वाद। दीदी जानता हूँ, रवि शर्मा जी आशीर्वाद। दीदी जानता हूँ बंगाल है, हिंदू आज भी नहीं सुधरा ना तो हिंदू मरेंगे कटेंगे, लेकिन उसके पहले अंकुर शुक्ला आशीर्वाद बेटे मेरे, धर्म धुरंधर आशीर्वाद, पारस जालंधरी आशीर्वाद, महावीर पाटिल साहब आशीर्वाद। साथियों आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है और उस गंगा राम जी आशीर्वाद। छठे चरण चढ़ेंगे, हमारा ईश्वर हमें खरा उतरने देगा, यही हमारी अभिलाषा है और इस अभिलाषा को पूर्ण होते हुए हम 23 तारीख को अवश्य देखेंगे। सभी को मेरा दिल से आशीर्वाद। साथियों एक बात कहना चाहूंगा, मैंने इसके पहले इस लाइव को खत्म होने के पश्चात इस लाइव के नीचे मैंने एक पोस्ट की है, मैंने नेटवर्क बदला है, शायद आज अभी मैं आपके बीच में हो सकता हूं। सुदर्शन काला, लक्ष्मी सिंह जी, जितने साथी मेरे देख रहे हैं उन सभी को हृदय से आशीर्वाद। साथियों एक बात कहना चाहूंगा, मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित किया, हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया। हजारों लाखों शत्रु बने, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहां यह बात करने के पश्चात, हिंदुत्व को जोड़ने के पश्चात भी अगर हमारे ही कुछ नाजायज जैनियों की औलादें अगर हिंदुओं के साथ तालमेल नहीं रखेंगे और हिंदुओं के देवी देवताओं पर लांछन लगाएंगे, कटाक्ष करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो जैनियों और हिंदुओं के बीच जो संघर्ष की दीवार, संघर्ष की जो लकीर खींच रहे ये लोग, जो जैन ऑल वर्ल्ड ग्रुप नाम से एक फेसबुक का ग्रुप चल रहा है, जो लगभग 4 से 5 महीने में उस ग्रुप का कोई मालिक नहीं, उस ग्रुप का कोई वारिस नहीं, लावारिस ग्रुप पड़ा हुआ है, और उस ग्रुप में कुछ नाजायज हराम की औलादे जैनी जिनको मैं मारना चाहता हूं, लाइव के जरिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा जैनी अगर मेरे हाथ में आ गया तो मैं उसको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, जो हिंदुत्व के अंदर बदनामी के स्वर अलापता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, नारायण कृष्ण हो, राम हो, सीता हो या दत्त भगवान हो, इनके प्रति जिस प्रकार से वहां पर व्यवहार किया जाता है कुछ नाजायज जैनियों के द्वारा, जो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, जिसे मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं और मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जिन तक मुझे पहुंचने की मेरी इच्छा है, अगर मैं कभी भूल से भी वे लोग मेरे हाथ में आ गए तो ये सूर्य सागर दूसरे दिन जेल में होगा, क्योंकि मैं उनको मार दूंगा। हमारा पूरा जीवन हिंदुओं के बीच में गया, हमारा पूरा जीवन जैनियों के बीच में गया, हमारा पूरा जीवन हिंदू राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए गया, हजारों शत्रुओं के बीच में पलता हूं मैं, हजारों मुसलमानों को अपना शत्रु बना चुका हूं मैं, इसीलिए ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जीवित रहे, सभ्यता सुरक्षित रहे।
धर्म के नाम पर पाठा पाखंड रचाने वाले ये कुछ हमारे नाजायज जैनियों की औलादे, मैं उनको ये एक बात कहना चाहूंगा, असली बाप की औलादे हो तो हराम की औलाद हो रियल आईडी से आ जाओ, रियल आईडी से तुम्हारी मां बहनों का सौदा करो। सौदागर इधर मौजूद है, खड़ा है यहां पर, तुम्हारी मां बहनों की इज्जत खरीदने की ताकत रखता हूं मैं, लेकिन तुम देवी देवताओं का अपमान मत करो। भगवान नारायण कृष्ण को नरक डालने वाला तुम्हारा वो बागड़ बिल्ला बाबा कभी गुजरात में आएगा तो इसको इसी धरती पर जमीन में गाड़ दूंगा, या नहीं समझूंगा कि वो दिगंबर सन्यासी है। मृत्यु के पास चाहे नरक जाना पड़े, मुझे स्वर्ग जाना पड़े, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। किसने देखा है नरक, किसने देखा है स्वर्ग? हमारे शास्त्रों में लिखा है 16 स्वर्ग, 5 ग्रह वयक, इतने अनुत्तर विमान, फिर वो मोक्ष किसने देखा है? स्वर्ग मरे बिना नहीं दिखाई देगा, तो मरे बिना नरक भी नहीं दिखाई देगा। तो जब तक तुम जिंदगी का आनंद ले रहे हो तुम्हारे लिए वो स्वर्ग है, और जब अगर तुम किसी के जीवन में हस्तक्षेप करके जातिवाद फैला रहे हो, दूसरे के धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो, तो तुम नरक के कीड़े हो, तुम जैन ही नहीं हो, जैन धर्म के नाम पर कलंक हो। तुम्हारे वो गुरु हराम की औलादे जो सिखाते हैं तुम्हारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को कि देवी देवताओं को मानो मत, उनकी पूजा मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और तुम्हें वो कुछ नहीं देंगे, तो तुम्हारे महावीर ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारे पारसनाथ ने तुम्हें क्या दिया, यह भी मैं तुम्हें पूछना चाहूंगा। तुम अगर देवी देवताओं का अपमान करते हो तो निश्चित रूप से दंड के भागीदारी भी तुम होगे, और अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो सीधे लाइव आकर खंडन करो, देवी देवताओं को गाली दो, कटाक्ष करो, फर्जी अकाउंट बना करके हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का जैनियों को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। और जितने जैनी मुझे अभी समय देख रहे हैं उन सभी को, अगर तुम्हारे में मर्दानगी शेष है और तुम अपने भगवान श्री राम को मानते हो हृदय से, भगवान नारायण कृष्ण महावीर को मानते हो हृदय से, अगर तुम आचार्य सूरसागर का सम्मान करते हो, आपके आने वाली सभ्यता को और संस्कृति को अगर आप बचाना चाहते हो, तो इन ग्रुपों में जाकर के इन नाजायजों की औलादों को ढूंढो, पकड़ो, मार दो, जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, जेल जाने नहीं दूंगा तुम्हें। यह अनैतिक बात फैलाने वाले उस ऑल वर्ल्ड जैन ग्रुप, उस ग्रुप के खिलाफ एफआईआर करना चाहता था मैं, लेकिन समय मुझे उचित नहीं मिल पा रहा। मुझे कई मेरे साथियों ने कहा 23 तारीख गुजर जाने दे गुरुजी, 23 तारीख के बाद हम हर एडमिन को उठाएंगे, हर पोस्ट करने वाले को उठाएंगे। उसी ग्रुप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के तस्वीर के साथ अश्लीलता पूर्वक व्यवहार किया गया था। ये कैसा ग्रुप, ये कैसे जैनी, ये नाजायज जो कि जैनियों की औलादे है, जहां पर कहा जाता है कि भगवान नारायण कृष्ण नरक गया है, जो मैंने कल पोस्ट की थी 2 साधुओं की, देख लीजिएगा। एक तरफ तो कहते हैं आचार्य सूर्य सागर को कोई काम धंधा है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, हिंदुत्व की बात करता है, बीजेपी के साथ खड़ा है, इसको नेतागिरी करनी है, नेताओं की चाटनी है, इस प्रकार से मेरे पर आरोप और मिथ्या आरोप लगाने वाले इस नाजायजों की जैनियों की औलादो, तुम्हारे बाप की तस्वीरें कल मैंने वीडियो डाली थी, उसको भी जरा एक बार नजर कर लेना, एक बार नजर डाल देना। उन्होंने दिग्विजय की प्रशंसा की और जैन समाज को आह्वान किया कि आप दिग्विजय को वोट करो। अरे कैसे हराम के बाबा लोग तुम, जिस दिग्विजय ने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया, जिस दिग्विजय ने प्रज्ञा ठाकुर एक लड़की है, एक स्त्री है, एक हमारी माता है, एक साध्वी है, उसको अपने डंडे से, अपने हाथ से जिसने मारा, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोलता है, जिनके आतंकवादियों के साथ साठगांठ और प्रेम के रिश्ते हैं, उनको समर्थन करने की बात अगर तुम करते हो तो तुम साधु नहीं हो, साधुओं के नाम पर व्यापारी हो, ढोंगी हो, तुम मूर्ख हो और मूढ़ हो। अगर तुम्हारे नजरों में मैं अगर राजनीति की बात करता हूं तो कल जो मैंने वीडियो तुम्हारी प्रेषित की है वो क्या था? वो धर्म की चर्चा थी। जैन धर्म महान धर्म है और जैन धर्म की व्याख्या को आप ही नहीं समझ पाओगे तो दूसरों को क्या ज्ञान दोगे आप? मैं उन जैनियों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारी औकात है और हिम्मत है आचार्य सूर्य सागर से लड़ने की, तो निमंत्रण देता हूं गुजरात की इस भूमि पर, और पैसे नहीं होगे तो तुम्हें भाड़े के पैसे दूंगा, आ जाओ और वार्तालाप करो मेरे साथ, और तुम्हारी ताकत होगी, तुम्हारे बंदूक में जितनी गोलियां होगी यहां आकर के खाली कर दीजिए, पूरी ताकत के साथ सूर्य सागर के दरबार में कदम रखना, जीवित नहीं जाओगे अगर चुप कर दोगे। धर्म के साथ मजाक, नारायण इधर गए, कृष्ण उधर गए, तुम्हारे बाप और तुम्हारी मां ने किस, क्या बोलूं, तुम्हारी मां ने निश्चित रूप से यह गारंटी है कि तुम्हारे बाप के साथ धोखा किया है, इसीलिए तुम लोगों की नाजायज औलादे, नाजायज जुबान इस प्रकार से दूसरे धर्म पर कटाक्ष करने के लिए तैयार रहती है। साथियों बड़ा दुख है, बड़ा गुस्सा है,
इस लाइव को बंद करना चाहूंगा। सभी जैनियों को एक बात कहना चाहूंगा, जो जितने भी जैनी है, जो जैन धर्म के सच्चे अनुयायी है, उस ग्रुप में घुसो और वो इंजीनियर क्या नाम अभिषेक जैन क्या मालूम कुछ नीच रंडी की औलाद है वो, उस हराम की नाजायज औलाद। अब मुझे पता है, अब मैंने ये शब्द बोलने के बाद, अब मैंने उनकी बखिया उखाड़ने के बाद मेरे नाम की पोस्ट वहां होगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नाम के पुना के दो प्रकरण आते हैं, सूरज तले अंधेरा। उस पुना की रंडियों को तो मैं कितनी बार चैलेंज कर चुका हूं, नहीं आने वाले वो, क्योंकि असलियत सूर्य सागर बेहतर जानता है। इसलिए किसी की औकात नहीं जो सामने आकर के वार्तालाप करे, लेकिन वे लोग हराम की औलादे हैं जो केवल बातों में आकर के सूर्य सागर का साथ छोड़ते हैं। आज तक मुझे कईयों ने कहा कि बीजेपी की बात करते हो, कई नाम मेरे नाम से चलाए। कल जो मैंने पोस्ट की उसे भी देख लेना। कल आचार्य पुष्पदन सागर और सुधा सागर बोल रहे दिग्विजय को सीधे सीधे जिताओ। अरे आतंकवादी के साथ खड़े हुआ, कांग्रेस के साथ खड़े हुआ, उस कांग्रेस के साथ खड़े हो जो मूत पीने में विश्वास करती है, उस कांग्रेस के साथ खड़े हुआ जिसने हिंदुओं के साथ अत्याचार किए, उस कांग्रेस के साथ खड़े हुआ जिसने हिंदू जैनियों के मंदिरों को तोड़ा। तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो गया, तुम्हारे मंदिरों को, तुम्हारे तीर्थों को, तुम्हारे व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे कुछ कुछ माल मिल गया, तो तुम उनके गुण गाओगे, देशद्रोहियों के गुण गाओगे। लानत है तुम पर, मरने के बाद सब कुछ यही छोड़ करके जाने वाले हो तुम, तो किस आधार से तुम इन विद्रोहियों के, इन विरोधियों के, इन नालायकों के, इन देश के गद्दारों के तलवे चाटते हो? अरे साधु हो, तुम्हारा स्वाभिमान जमीर नाम की कोई चीज तुम्हारे पास है नहीं? बेच दिया उसे? उन जैनियों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे माँ ने तुम्हें ओरिजिनल दूध पिलाया होगा और अगर तुम्हारे बाप की एक ही की औलाद हो, तो सूर्य सागर की आंखों में आंखें डाल करके मिलाने की ताकत रखो। यह आकर फेक अकाउंट बना करके अपनी बहनों को और अपनी माँ का नीलामी मेरे अकाउंट पर मत करना। सभी साथियों, अगर तुम्हारे में सामर्थ्य है, लड़ने की ताकत है, हिमाकत रखते हो, तो उस ग्रुप में घुसो। इसके पहले मैंने जो पोस्ट की है उस ग्रुप में घुसो और उस ग्रुप में जितना आपकी ताकत है उस सामर्थ्य लगा दो। एक भी जैनी वहां बचना नहीं चाहिए, वो जैनी जो धर्म की विपरीत बात करता है, जो हिंदुओं के साथ, जैनियों को और जैनियों के साथ हिंदुओं का लड़ा रहा है। मेरा पूरा जीवन 20-22 वर्ष मैंने हिंदुओं को, जैनियों को जोड़ने का प्रयास करने में बिता दिए। हजारों मुसलमानों के साथ शत्रुता है मेरी, कांग्रेसी तो मेरे को पानी में देखते हैं, लेकिन ये हराम की औलादे इस प्रकार से नाजायज बातें कर रहे हैं, तो इनकी बातों में ना आइए। नारायण श्री कृष्ण चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, उनका हम जैनी, समस्त जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, भगवान महावीर के वंशज, हम सम्मान करते हैं। कुछ नीच दो चार जो कीड़े हैं हमारे जैनियों के, तेरापंथी, अधिकतर ये नाजायज औलादे वो बुंदेलखंड से ही निकलते हैं, राजस्थान के कुछ सीमाओं से निकलते हैं। इन हरामखोरों की औलादों ने जैन धर्म का सत्यानाश करके रखा है। ये लोग देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानते, ये लोग देवी देवताओं को गाली देते हैं, जहां जूते चप्पल रखते वहां रखो। इस प्रकार से इनके बाबाओं ने, इनके ढोंगी बाबाओं ने, इतने बड़े बड़े पेट है इनके जैसे 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत हो। अरे तुम सन्यासी हो तो तुम्हारी शरीर शैली सिंगल होनी चाहिए, खान पान पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, इंद्रियों पर तुम्हारा अधिकार नहीं, और जा रहे हो सन्यास लेकर के दूसरे धर्म पर कटाक्ष करने वाले। तो इतना याद रखिए, अगर औकात है, मेरा नंबर है, मेरे को अभी आज भी किसी की कमेंट नजर नहीं आ रही है, 228 लोग मुझे देख रहे हैं, बस मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे किसी की कमेंट नजर नहीं आ रही है, ना मैं ये कर कह सकता हूँ आपको। मेरा नंबर 9099110088, कोई भी साथी मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और जिसके अंदर ताकत हो सूर्य सागर से बात करे। गाली दोगे तो तुम्हें 10,000 गाली दे दूंगा मैं। बस तुम तुम्हारे महावीर की पूजा करो, तुम्हारे पारसनाथ की पूजा करो, तुम्हारे उस सुधा सागर की पूजा करो, तुम्हारे प्रमाण सागर की पूजा करो, तुम्हें जिसकी पूजा करनी, जिसकी चाटनी है वो चाटो, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ आवाज सूर्य सागर सहन नहीं करेगा। हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान सूर्य सागर सहन नहीं करेगा, माँ पद्मावती का अपमान सूर्य सागर सहन नहीं करेगा। तुम्हारे पर वॉच है, तुम्हारे पर ध्यान है हमारा, तुम्हारे पोस्ट पर हम कमेंट नहीं करते, तुम्हारे को जवाब नहीं देते, इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमारा ध्यान है। पकड़ में आओगे तो जरूर। और भारत सरकार और यह जो सोशल मीडिया पर जिनका अंकुश है, उस प्रशासन से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जैन ऑल वर्ल्ड ग्रुप के ऊपर जरूर नजर रखें। अगर मेरी लाइव पीएमओ ऑफिस तक पहुंचती है तो मैं पीएमओ ऑफिस तक एक समाचार देना चाहूंगा, जितने भी लोग वहां पर पोस्ट कर रहे हैं सारे के सारे गुनहगार हैं, उन सारों को जो हमारा कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार दंडित करें। अन्यथा कल अगर मुझसे, आचार्य सूर्य सागर के हाथों से कुछ गलत हो गया तो इसकी जिम्मेदारी पूरे जैन समाज की होगी, पूरे हिंदू समाज की होगी, प्रशासन की होगी, क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूं बहुत जल्दी।
मैं सहन नहीं कर सकता। मेरे देवी देवताओं का अपमान, मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान, मेरे भारतीय जनता पार्टी का अपमान, मेरे आरएसएस का अपमान और मेरे हिंदू भाइयों का अपमान, उनके देवी देवताओं का अपमान, उनके आराधकों का अपमान मैं सहन नहीं करूंगा। मैंने कभी भी आज तक किसी देवी देवताओं के विरोध में बात करने वाले को छोड़ा नहीं है। तरीका अलग है और वो तरीका अब मैं आजमाऊंगा। 23 तारीख भले ही पार करो ना करो, लेकिन अब दिमाग में आग लगी है और मैं उन दो चार नमूनों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मुझे मिल गए तो बाढ़ में जाओ तुम्हारी मां, तुम साले कुत्ते साले।